में मजा चखा है और उनके 150 सीटों के गवर्नमेंट को हम लोग 99 पर लेकर आए, तो उसी के चलते बौखलाए हुए कि डिस्परेशन दिखा रहे हैं। उनको मालूम है कि ये बंदा आगे बढ़ेगा तो 2019 में बहुत भारी बढ़ेगा, बहुत जबरदस्त और तगड़ा यूथ मूवमेंट खड़ा करेगा, दलित आंदोलन खड़ा करेगा। तो उसी के प्रेशर के चलते हमको टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार से गुजरात में हार्दिक पटेल को टारगेट करने की कोशिश की, उसको राजद्रोह का आरोपी बताया, बावजूद उसके वो हला नहीं, खिला नहीं अपनी जगह से, लड़ता रहा। तो हम भी लड़ते रहेंगे और हमारा ये मानना है कि हम लोगों को टारगेट करने से क्या हासिल होगा। आप रूल ऑफ लॉ को लागू करो, सोशल जस्टिस को इंश्योर करो, एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात करो। मेरी स्पीच को जो प्रोवोकेटिव बता रहे हैं, किसी भी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को आप दिखा दीजिए, मेरी स्पीच पे एक भी टुकड़ा, एक भी वर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या प्रोवोकेटिव नहीं है। बावजूद इसको मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? मैं तो बीमा कोरेगांव के लोकेशन पे भी नहीं गया, बंद कॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं की, फिर भी मेरे सामने इनसे बढ़कर एक आरोप। आप बंबई में कार्यक्रम था उस पर भी रोक लगा दी गई, उमर खालिद पे भी। उसके कार्यक्रम मेरे ऑडिटोरियम के अंदर जो फंक्शन था उसके ऊपर भी रोक लगा दी। आप सोचिए, एक स्टेट के MLA को बोलने नहीं देते आप, हद हो गई ना। तो इसीलिए दिल्ली में रैली करेंगे 9 तारीख को, हुंकार रैली होगी और जिसमें डिमांड करेंगे कि सोशल जस्टिस एंश्योर किया जाए। क्या आप दूसरे राज्यों में जाकर दलितों की आवाज बुलंद करेंगे? हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ऊना से लेके अब तक दिल्ली गए, हरियाणा गए, केरला गए, कर्नाटका गए, तेलंगाना गए, आंध्र प्रदेश गए, गुजरात में गए, बिहार में गए, यूपी में गए, महाराष्ट्र में गए, हर जगह पे गए। एक आखिरी सवाल, पीएम मोदी से क्या दिक्कत है? यार वो एक तो बहुत पकाते हैं, जुमलेबाजी बहुत करते हैं, बहुत ही इररिलेवेंट हो गए। एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ही इज अ सिंबल ऑफ ग्रैंड फेलियर। 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का प्रॉमिस था, 4 साल में 8 करोड़ को उनको देना चाहिए था, उसका 1% को नहीं दे पा रहे, तो ये तो बहुत जबरदस्त फेलियर हुआ। तो अब वो नहीं चलेंगे, उनका मुझे लग रहा है कि एक तरह से उनका वो वक्त पूरा हो गया।